में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और साथ ही मेरठ मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, आप देख रहे हैं मेरे मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज। हर खबर पर नजर, मैं हूं आपके साथ नवेद खान। चलिए दिखाते हैं आपको इस वक्त की कौन सी है वो बड़ी खबर जो आपके लिए जानना है जरूरी। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दिन 10 मई 2022 इस वक्त की बड़ी खबरें मेरठ के उत्तर प्रदेश जिले के खरखौदा क्षेत्र में, जहां 8 मई 2022 को एक ही दिन में दो वारदातों का वीडियो वायरल हुआ, जिस पर पुलिस ने संज्ञान लेते हुए तुरंत कार्रवाई की है। पहली वारदात एक बार फिर से थूक कर रोटी बनाने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से ये युवक रोटी पर पहले थूक रहा है, उसके बाद उसको तंदूर में डाल रहा है। इसका नाम आरोपी फिरोज पुत्र वाजिद उम्र 21 साल है। ये वीडियो मेरठ के थाना खरगोदा क्षेत्र के अजराड़ा गांव के एक समारोह का है। पुलिस ने आरोपित फिरोज का मुकदमा दर्ज करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। दूसरी घटना भी मेरठ के थाना खरगोदा क्षेत्र से, जहां एक समुदाय के दो पक्ष सरेआम सड़क पर खुलेआम पत्थरबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, वीडियो में देख पा रहे हैं कि किस तरह से सरेआम सड़क पर खुल्लम खुल्ला पत्थरबाजी की जा रही है। ये वीडियो भी वायरल हो गया। वायरल वीडियो में मुश्ताक नाम के एक इंसान का जिक्र है। वायरल वीडियो में बोला जा रहा है कि ये मुश्ताक की नस्ल है जो छत से पथराव कर रही है। वीडियो में आप देख पा रहे हैं, ये वायरल वीडियो है जिसमें पत्थर फेंके जा रहे हैं एक दूसरे पर। दोनों दो पक्ष हैं ये एक समुदाय के, जो पत्थरबाजी का मामला सामने आया है। पुलिस ने 6 लोगों की पहचान करके गिरफ्तार कर लिया है और बाकी लोगों की तलाश जारी है। मेरठ मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज से नवेद खान की रिपोर्ट। क्षेत्र खरखौदा के अतराड़ा में एक लड़के का नाम संज्ञान में आया है, जिसका नाम फिरोज पुत्र वाजिद है। लगभग 21 साल का है। मूल रूप से कोतवाली थाना क्षेत्र जनपद हापुड़ का रहने वाला है। वहाँ पे एक शादी समारोह में इसकी एक वीडियो बनी थी, जिसमें ये थूक फेंकता हुआ नजर आ रहा है। इस पर मुकदमा पंजीकृत कर सुसंगत धाराओं में और इसको जेल भेजा जा रहा है। में एक वीडियो संज्ञान में आया है, जिसमें दो पक्ष, दोनों मुस्लिम पक्ष हैं, के द्वारा आपस में कुछ पत्थर फेंके जा रहे हैं। इसमें दोनों पक्ष में से किसी के भी द्वारा तहरीर नहीं दी गई थी। इसमें पुलिस ने कठोर धाराओं के साथ सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया है, 307 CLA इत्यादि लगा के। इस पूरे प्रकरण में 6-7 लोगों को जेल भेजा जा चुका है और वीडियो में जो भी लोग नज़र आ रहे हैं उन सबको तस्दीक करवाया जा रहा है। उन सबको सुसंगत धाराओं में जेल भेजा। लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हुई है? 6-7 लोगों को जेल भेजा जाए।